नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेरे गार्डन में हो रही फ्लावरिंग दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये कलांचो के फूल दिखा रहा हूं। हाइब्रिड कलांचो के ये फूल देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये एक गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। देसी कलांचो के पौधे भी मैंने लगा रखे हैं और इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है। अब इस समय कलांचो के सभी पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। बिगोनिया के मैंने दो पौधे लगा रखे हैं और दोनों पौधों के पत्तों का कलर अलग अलग है और इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इन पौधों को अधिक सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट सनलाइट में ये पौधे रह जाते हैं तो ये सूखने लगते हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट में इन पौधों को लगाइए। ये देखिए, ये है वर्बिना। वर्बिना के पौधे में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये छोटा सा पौधा मैंने लगाया था और इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है। यदि आप इस पौधे की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड करके लगा सकते हैं। इसी प्रकार आप इन बेगोनिया के पौधों को भी डिवाइड करके एक से कई पौधे बना सकते हैं। अब इस समय फरवरी के महीने में आप ये काम कर सकते हैं। कलांचो की ये देसी वैरायटी के पौधे आसानी से लग जाते हैं और इन पौधों की अधिक केयर भी नहीं करनी पड़ती। ये पौधे डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में भी रह जाते हैं और इन पौधों में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। गुच्छों में इनमें फूल खिलते हैं और ये एक गुलदस्ते की तरह दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये है हाइब्रिड कलांचो के पौधे और पिछले साल मैंने इन पौधों को लगाया था। अब इन पौधों में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इनके फूल एक महीने से भी अधिक समय तक खिले रहते हैं। मानसून की बरसात के बाद सितंबर अक्टूबर में आप इन पौधों की कटिंग लगाइए। सितंबर अक्टूबर में जब आप इनकी कटिंग लगा लोगे तो दिसंबर जनवरी तक इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, देसी गुलाब का पौधा मैंने लगा रखा है और इस गुलाब के पौधे में बहुत ही बड़े साइज के खुशबूदार फूल खिलते हैं। गर्मी सर्दी हर मौसम में इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और एक दो फूल तो इस पौधे में खिले ही रहते हैं। पुराने फूल मुरझाते रहते हैं और इसकी नई नई कलियां निकलती रहती हैं और इस पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। देसी गुलाब का ये पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। ये देखिए, देसी कलांचो के कुछ पौधे मैंने लगा रखे हैं और इस समय इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। छोटे से पौधों में ही देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यदि कलांचो के पौधों की वाटरिंग का ध्यान रख लिया जाए तो इनके अलावा इनकी अधिक केयर नहीं करनी पड़ती। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है और यदि हम इन पौधों में अधिक पानी डाल देते हैं तो ये सूखने लगते हैं। मेरे गार्डन में गिलार्डिया के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और इनमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। गर्मी सर्दी हर मौसम में इस पौधे में फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। गिलार्डिया के इन पौधों को एक बार ही हमारे गार्डन में लगाया जाता है, उसके बाद इनके नए नए पौधे अपने आप उगते रहते हैं। एक और फूल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना सुंदर फूल है। इस प्रकार इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है और इन पौधों की भी अधिक केयर नहीं करनी पड़ती है। ना तो इन पौधों को अधिक खाद की आवश्यकता होती है और ना ही इन पौधों में अधिक पानी डाला जाता है। कम पानी और कम खाद में ये अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। एनुअल क्राइसेंथेमम के ये पौधे भी देखिए कितने सुंदर फ्लावरिंग वाले होते हैं। ये भी ऐसे ही प्लांट हैं, इनको भी अधिक केयर की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी कई कलर्स की वैरायटीज होती हैं और सभी बहुत ही सुंदर फूलों वाले पौधे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है गोमफ्रेना। गोमफ्रेना के ये पौधे पिछले साल मैंने अपने गार्डन में लगाए थे और अब भी देखिए सर्दी के मौसम में भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।